how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 14, Raju's farm and its objective portion. And today I am going to explain you its question answers. So are you ready, kids? Let's begin. Let's see, answer the following questions in one or two sentences. Let's see the first question. How does Raju's father use the pickaxe? राजू के फादर पिकेक्स का यूज किस तरह से करते थे? लेट्स सी द आंसर. राजूज फादर डिग द ग्राउंड विद हिज पिकेक्स और एक्स टू मेक द सॉइल लूज एंड सॉफ्ट. राजू के फादर सॉइल को डिग करते थे, ग्राउंड को डिग करते थे पिकेक्स या तो एक्स की मदद से, और जिससे कि सॉइल जो है वो लूज होती थी और सॉफ्ट हो जाती थी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच मंथ डज सोइंग फॉर अ गुड क्रॉप ऑफ ऑनियन स्टार्ट? किड्स, अगर हमें ऑनियन का क्रॉप ग्रो करना है तो उसके लिए सही समय कौन सा होता है? लेट्स सी द आंसर. सोइंग फॉर अ गुड क्रॉप ऑफ ऑनियन स्टार्ट्स इन अक्टूबर. अक्टूबर में ऑनियन क्रॉप को ग्रो करने का सही समय होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट. व्हाट डू द टर्म्स सोइंग एंड हार्वेस्टिंग मीन? सोइंग और हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स सी द आंसर. सोइंग इज द प्रोसेस इन विच सीड्स आर ड्रॉप्ड इन ईच रो एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस एंड इमीडिएटली कवर्ड विथ सॉइल. सोइंग का मतलब क्या होता है कि बीज को बोना, कि सही डिस्टेंस पर हमें बीज को डालना होता है और फिर वो बीज के ऊपर हमें तुरंत ही मिट्टी डाल देनी होती है, जिसे सोइंग कहा जाता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द राइप क्रॉप एंड कलेक्टिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर. जो क्रॉप तैयार हो गया है, जो फसल रेडी है, तो उससे वो क्रॉप को हमें कट कर लेना है और उसे सही मैनर में कलेक्ट करना है, तो उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर वीड्स? वीड्स किसे कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर. एनी प्लांट्स एज वेल एज ग्रास विच आर नॉट सोन एंड आर अननेसेसरी बट स्टिल ग्रो अलोंग विथ अ सोन क्रॉप आर नोन एज वीड्स. जब भी हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसके साथ ही एक्स्ट्रा घास ग्रो हो जाती है, उसे हम प्लांट नहीं करते हैं फिर भी वो ग्रो हो ही जाता है ग्रास, तो उसे वीड्स कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन कैन वन से दैट द ऑनियन क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट? किड्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑनियन का क्रॉप अभी रेडी हो चुका है और उसे हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए? लेट्स सी द आंसर. एन ऑनियन प्लांट ग्रोज अप टू अ पर्सन्स नीज. वंस दे हैव अटेंड देयर फुल हाइट द लीव्स स्टार्ट बिकमिंग ड्राई एंड येलो. व्हेन दिस हैपन वन कैन से दैट द ऑनियन क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट. जब भी हम ऑनियन का क्रॉप ग्रो करते हैं तो जब वो पूरा ग्रो हो जाता है तो वो एक पर्सन के नीज घुटनों तक पहुँचता है, और उसके बाद जब वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं उनकी लेंथ भी बढ़ जाती है और उसके लीव्स भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और येलोइश हो जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ऑनियन का क्रॉप जो है वो रेडी हो चुका है, अभी उसे हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लॉस इफ एन ऑनियन क्रॉप इज नॉट हार्वेस्टेड इन टाइम? किड्स, ऑनियन के क्रॉप को अगर हम सही समय पर हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या नुकसान होगा? लेट्स सी द आंसर. इफ एन ऑनियन क्रॉप इज नॉट हार्वेस्टेड इन टाइम इट स्टार्ट्स रोटिंग अंडर द ग्राउंड. दिस वेस्टेज ऑल द फार्मर्स एफर्ट्स. किड्स, जब भी ऑनियन का क्रॉप ग्रो हो जाता है, उसका सही समय आ जाता है हार्वेस्ट करने का, तो वही समय पर उसे हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए. अगर उसे हम सही समय पर हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और पूरा क्रॉप जो है वो खराब हो जाता है, तो फार्मर ने अगर जितनी भी मेहनत की है तो वो सारी मेहनत पानी में जाएगी. तो अगर हम सही समय पर क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा नुकसान होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हाट आर द हार्वेस्टेड ऑनियंस पैक्ड फॉर टेकिंग देम टू द बिग मार्केट? किड्स, जो ऑनियन के क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए उसको किस में पैक किया जाता है? लेट्स सी द आंसर. द हार्वेस्टेड ऑनियंस आर पैक्ड इन गनी बैग्स और सैक्स फॉर टेकिंग देम टू द बिग मार्केट इन ट्रक्स. जब ऑनियन की फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसे गनी बैग्स में या तो जो जूट के थैले आते हैं, सैक्स आते हैं, उसके अंदर उसे पैक किया जाता है और ट्रक में भरकर उसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है.
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? लेट्स सी द आंसर. द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड मेक द क्रॉप बेटर इज नोन एज फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसको सॉइल के साथ ऐड किया जाता है, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है और जो क्रॉप हमने ग्रो किया है वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा, तो वो सब्सटेंस को फर्टिलाइजर कहा जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज चेंजिंग कल्टीवेशन मीन? किड्स, चेंजिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स सी द आंसर. इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटिंग द सेम क्रॉप इन द फील्ड एवरी ईयर, डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड. सेम ही क्रॉप को बार बार एक ही खेत में ग्रो करने की बजाय अगर उसकी जगह पर हर साल अगर हम डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते हैं तो जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है. तो जो क्रॉप होता है उसे हमें हर साल चेंज करना होता है. जैसे कि इस साल हमने कॉटन का क्रॉप ग्रो किया है तो नेक्स्ट ईयर हम वीट का क्रॉप ग्रो करेंगे, तो जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चेंजिंग कल्टीवेशन. और ये प्रोसेस को चेंजिंग कल्टीवेशन कहा जाता है. नाउ किड्स लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट केयर शुड बी टेकन बाय द वन हु कट्स ऑफ ड्राई ऑनियन लीव्स? किड्स, ऑनियन के टॉप्स के ऊपर जो लीव्स होते हैं ड्राई, उसे निकालते समय, उसे कट करते समय क्या ध्यान में रखना होता है? लेट्स सी द आंसर. एन इल्लीज, अ स्किथ इज यूज टू कट ऑफ ड्राई ऑनियन लीव्स. किड्स, इल्लीज एक नाइफ जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे स्कीथ भी कहा जाता है, तो ऑनियन के ड्राई लीव्स को कट करने के लिए उसका यूज किया जाता है. दिस इज एन एक्सट्रीमली शार्प इम्प्लीमेंट, और ये बहुत ही शार्प होता है. सो द वन हु यूजेज इट शुड बी केयरफुल नॉट टू कट हिज और हर फिंगर. तो जो इसका यूज़ कर रहा है और जो इसकी मदद से ऑनियन के लीव्स को कट कर रहा है, तो उसको ये ध्यान में रखना है कि उसकी फिंगर्स कट ना हो जाए. Now kids, our next topic is answer the following questions in brief. Let's see the first question. What other ways could be used to plough the fields instead of using animals? Discuss. Kids, खेत को जोतने के लिए animals के use के बगैर और कौन सा तरीका होता है कि जिसकी मदद से हम खेत को plough कर सकते हैं? Let's see the answer. Tractors are used instead of animals to plough the fields. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि tractors का use किया जाता है. A farmer can attach various tools like plow, a leveling board and a sowing drill, a rake, etc. to plow his field and for other types of jobs. Poor farmers plow their fields themselves with a pickaxe. तो अभी के समय में ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है, तो उसके साथ वेरियस टूल्स भी अटैच किए जाते हैं, जैसे कि प्लव, या तो लेवलिंग बोर्ड, या तो सोइंग ड्रिल, या तो रेक का यूज किया जाता है, और जिसकी मदद से खेत को प्लव किया जाता है. और जो पुअर फार्मर्स होते हैं तो वो अपने आप ही अपने खेत को जोतते हैं पिकेक्स की मदद से. नाउ किड्स लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड. डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? इन विच वर्क डू यू हेल्प? किड्स, राजू जो है वो अपने पापा को उनके खेतों में मदद करता है, तो क्या आप भी अपने एल्डर्स को उनके काम में मदद करते हो? आप कौन से काम में मदद करते हो? Let's see the answer. Yes, just like Raju does, I too help the elders in my family in their work. जैसे राजू अपने पापा की हेल्प करता है, उस तरह से मैं भी मेरे एल्डर्स की मदद करती हूँ. For example, I help my mother to keep the house clean. मैं मेरी मम्मी को मदद करती हूँ घर को साफ रखने में. To decorate the house, to bring things needed in routine from the shop. फिर घर को डेकोरेट करने में, साफ सफाई करने में मैं हेल्प करती हूँ, या तो घर के जो ज़रूरी सामान है जो शॉप से लाना होता है तो उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ. एंड आई ऑल्सो हेल्प बाय टेकिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल. और मैं मेरे दादा और दादी को टेम्पल ले जाने में भी मदद करती हूँ. तो इस तरह से ये सारे कामों में मैं मेरे घर के एल्डर्स की मदद करती हूँ. तो किड्स, क्या आप भी इस तरह से हेल्प करते हो? Let's see the next question. In which chores did Raju help his father? Raju जो है वो कौन से कामों में अपने father की help करता था? Let's see the answer. Raju helps his father in the following ways. To loosen and soften the soil in the field. खेतों में soil को loose करने में और soft करने में help करता था.
टू वीड कट अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड, और खेतों में जो अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है ऐसे भी ग्रास ग्रो होते हैं तो उसको कट करने में भी राजू अपने फादर की हेल्प करता था। टू हार्वेस्ट द ऑनियन क्रॉप, और जब ऑनियन की फसल रेडी हो जाती थी तो उसको हार्वेस्ट करने में भी वो अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करता था। एंड टू फिल द ऑनियंस इन सैक्स, और थैलों में ऑनियंस को भरने के लिए भी वो हेल्प करता था। तो इस तरह से राजू जो है ये सारे कामों में उसके फादर की हेल्प करता था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ फार्मर सो ऑनियन सीड्स। किड्स, जो फार्मर्स होते हैं वो किस तरह से ऑनियन के सीड्स को बोते हैं? Let's see the answer. First of all, a farmer plow his field and makes rows in it with a plow or some other implement. सबसे पहले तो फार्मर जो है वो अपने प्लव की मदद से, अपने हल की मदद से खेतों में एक रो बना देता है। At the same time, he drops onion seeds at a specific distance in each row. और सही मात्रा में regular distance पर जो seeds होते हैं उसे वो बोता है। Immediately after this, the ground is leveled once again so that the seeds are covered with soil. और उसके बाद तुरंत ही ग्राउंड का लेवल कर दिया जाता है और जो सीड्स बोए हैं उसको सॉइल से कवर्ड कर लिया जाता है। This is how onion seeds are sown. तो इस तरह से जो ऑनियन के सीड्स है उसे बोया जाता है। So kids, here notes explanation is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.